रूस जो कि दोस्तों आबादी के हिसाब से तो काफ़ी छोटा देश है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया का पहले नंबर का देश है। आज के दिन दोस्तों यहाँ के लोगों के पास ना फ्रीडम की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आखिर रशिया में रहने की आपको क्या क्या सबसे बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं, यानी रशिया में रहने के क्या क्या कौन सा है, इस पर तो हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं। लेकिन आज बात होगी प्रॉस की। एक पावरफुल और एक बहुत बड़े रुतबे वाली कंट्री तो दोस्तों रशिया ज़रूर है, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया में रहने की आपको क्या क्या सबसे बड़े फ़ायदे देखने को मिलेंगे और रशिया के सबसे बड़े लेवल के प्रॉस कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर एक पर दोस्तों नाम आता है अट्रैक्टिव सैलरीज। सैलरीज़ के मामले में सही में रशिया काफ़ी ज़्यादा कमाल का देश है। इकॉनमी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेबल देखने को मिलती है, हालांकि उतनी तेज़ी से तो नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद भी पॉपुलेशन यहाँ नहीं बढ़ती, जिसके चलते दोस्तों लोगों के हाथों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कमाई आपको देखने को मिली जाएगी। सैलरी पैकेजेस के मामले में रशिया दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है आज के दिन रहने के हिसाब से। यही वजह है कि काफ़ी सारे एक्सपैट्स को भी ये कंट्री अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, हालांकि उनमें से काफ़ी सारे एक्सपैट्स यहां पर सिर्फ पैसे मिलने से खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तो बिल्कुल सच है कि कमाई अच्छी खासी रशिया में आपकी हो जाएगी। नंबर दो पर नाम आता है रशियन पीपल। रशियन पीपल को दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिहेव वाले माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के लोगों में दोस्तों अकड़ आपको बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग नेचर के होते हैं। रशिया का कल्चर भी दोस्तों उन्हें इंडिया की तरह यही सिखाता है कि उन्हें दूसरे देशों के लोगों का पूरा वेलकम करना है अपने देश में, जिसके चलते यहाँ के लोग ना फॉरेन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हुए आपको अक्सर नज़र आ जाएंगे। नंबर तीन की बात करें तो पावर की बात आएगी। पावर के मामले में रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके सामने ना अमेरिका भी कई बार आपको खौफ खाते हुए नज़र आ जाएगा। चाहे दोस्तों मिलिट्री पावर की बात करें, मिलिट्री इंडेक्स पावर की बात करें, हर जगह आपको रशिया टॉप नॉच काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। हथियारों के मामले में तो इसने अमेरिका को दोस्तों पूरी तरह से ही पछाड़ दिया है। आज के दिन न्यूक्लियर वेपन के मामले में रशिया पूरी दुनिया की नंबर एक कंट्री और इसके पास तकरीबन 8800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन आज के दिन दोस्तों किसी भी देश के पास नहीं है। वहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल के टैंक्स के मामले में भी ये दुनिया की नंबर वन कंट्री बनी हुई है। ये अपनी बहुत ज़्यादा GDP की दोस्तों कमाई सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के कामों पर खर्च करती है। तो पूरी दुनिया में रशिया की ये तो एक इमेज बनी हुई है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। यही वजह है कि आज के दिन रशिया के ऊपर कोई भी कंट्री हमला करने के बारे में नहीं सोचती और पावर के मामले में ये पूरी तरह से पैक कंट्री और इसकी ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड में अव्वल दर्जे की है। नंबर चार की तरफ पढ़े तो नाम आता है गुड प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर के मामले में रशिया में आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल लेवल की स्टैंडर्ड सर्विस, वो भी काफ़ी कम प्राइसेस में, क्योंकि दोस्तों रशिया में डॉक्टर्स की कमी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको कमी देखने को मिलेगी। और अच्छी बात ये है कि यहाँ का हर डॉक्टर इंग्लिश में दोस्तों आपसे बात कर सकता है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि रशिया में दोस्तों हर इंसान रशियन ही बोलता है लेकिन डॉक्टर्स यहाँ इंग्लिश बोलते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है फिर तो दोस्तों खर्च आपका बिल्कुल ही होने नहीं वाला और यहाँ पर हेल्थ केयर की सुविधा सही में काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर पाँच पर नाम आता है ब्यूटी का। अब ब्यूटी में दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कंट्री की ब्यूटी की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं बात करूँगा लड़कियों की ब्यूटी की। चाहे आप 2015 से लेकर 2020 तक किसी भी साल की रिपोर्ट को उठाकर क्यों ना देख लीजिए, टॉप 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स की कंट्रीज में आपको दोस्तों रशिया ये देश हमेशा ही नज़र आ जाएगा और बहुत बार तो आपको ये कंट्री नंबर वन का स्थान लेते हुए भी नज़र आएगी, ऐसा हो भी क्यों ना। रशिया एक ऐसा देश है जहां पर दोस्तों लड़कियां सही में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कमाल की नज़र आती हैं। असल में यहाँ की लड़कियाँ इसलिए इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं क्योंकि दोस्तों ये मिक्सचर होती हैं एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ की लड़कियों का।
यहाँ की लड़कियाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की ब्यूटी फुल आइज के साथ आती हैं, और इनकी दोस्तों फिगर भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और कमाल की होती है। और पूरी दुनिया में रशियन गर्ल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना हर देश के लोग देखते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि सर्विस में हमेशा ये बात सामने आई कि रशियन गर्ल्स की फर्स्ट चॉइस है इंडियन लड़के। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है सेफ्टी। सेफ्टी के मामले में वैसे रशिया ना कोई बहुत अच्छा देश तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ना ये कंट्री हमारी लिस्ट में जगह बना पाई है, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 सालों में ना रशिया में क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हुए हैं और यहाँ क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, स्पेशली 2010 से लेकर 2020 के साल तक। लेकिन अगर इससे भी पीछे की तरफ जाएं, पिछले 2 डेकेड्स में दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं क्राइम्स की। क्राइम रेट यहाँ डेफिनेटली पिछले 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, और अब तो दोस्तों धीरे धीरे रशिया को एक सेफेस्ट कंट्रीज भी माना जाने लगा, एक सेफ लेवल की कंट्री बन रही है रशिया लगातार पूरी दुनिया के सामने। नंबर 7 पर नाम आता है फूड का। फूड के मामले में दोस्तों ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले रशिया को ज़्यादा बेटर माना जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, जो कंट्री थोड़ा ज़्यादा अपने कल्चर से जुड़ी होती है वहाँ पर दोस्तों खाने भी आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे नज़र आ जाएंगे। फिर चाहे बात वेजिटेरियंस की ही क्यों ना आए, वेजिटेरियंस के लिए भी दोस्तों ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको अच्छा खाना देखने को नहीं मिलता, लेकिन रशिया में वेजिटेरियंस के लिए भी सौगात अच्छी खासी है, खाने अच्छे खासे हैं वेजिटेरियंस के लिए भी। जैसे कि यहाँ आपको सैलड्स बहुत ही वैरायटीज़ के खाने को मिलेंगे, सूप्स की यहाँ कोई कमी नहीं है, ब्रेड्स दोस्तों यहाँ की बहुत टेस्टी है, पैनकेक्स आपको देखने को मिलेंगे, बेकिंग फूड्स में भी वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस देखने को मिलेंगी। नंबर 8 पर नाम आता है एरिया का। एरिया के मामले में दोस्तों रशिया बहुत ज़्यादा आगे वाला देश है, इसके पास ना इतना ज़्यादा एरिया है कि दोस्तों क्या ही कहने, इसमें तो दुनिया के 50 से 60 बड़े बड़े देश भी समा सकते हैं। 50-60 भी तो दोस्तों मैंने शायद कम ही कह दिया, क्योंकि अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूँ तो इसमें दुनिया की 100 छोटी छोटी कंट्रीज़ भी पूरी तरह से आपको समाती हुई नज़र आ जाएंगी, क्योंकि एरिया के मामले में आज के दिन रशिया दुनिया का नंबर 1 देश है, और इसका टोटल एरिया है तकरीबन 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सीधा सीधा दोस्तों अगर आपके हिसाब से अपने इंडियन लैंग्वेज में बताऊं तो यहां का दोस्तों एरिया 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा विशाल एरिया है दोस्तों कि क्या ही कहने, कनाडा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है उससे दोस्तों इसके पास 71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ज़्यादा है। तो एरिया के मामले में रशिया को कोई हरा नहीं सकता दोस्तों, बहुत बड़े लेवल का देश है, और यही इसकी बड़ी मजबूती है जियोग्राफिकली, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की कंट्री और बहुत ही स्ट्रांग भी। नंबर 9 पर नाम आता है दोस्तों क्लीन एयर का। वैसे तो दुनिया की बड़े एरिया वाली कंट्रीज़ में आपको अक्सर पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन रशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण कम पॉपुलेशन, आबादी बेहद कम है तो दोस्तों पॉल्यूशन तो कम फैलेगा। आज के दिन रशिया को दुनिया की बहुत ही ज़्यादा साफ एयर क्वालिटी वाली कंट्रीज़ में अक्सर गिना जाता है, जिसके चलते यहाँ के बीचेस का नज़ारा भी बड़ा कमाल लगता है, और दोस्तों घूमने फिरने के लिए एक कमाल की कंट्री है। यही वजह कि रशिया के लोगों में डिजीज़ का खतरा कम बना रहता है, क्योंकि साफ हवा में ये लोग बसते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ ऐसे बड़े लेवल के फ़ायदे आपके लिए अगर आप रशिया देश में बसोगे तो। रशिया ये देश वैसे आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस आपके लिए दोस्तों हमें डेली लानी है, चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।